का आगाज तो मैंने 2019 में किया था, लेकिन तब एक वीडियो बनाने के बाद मुझे ये फील हुआ कि शायद व्लॉगिंग मेरे लिए नहीं है, क्योंकि व्लॉगिंग के जो मायने मुझे पता थे वो व्लॉगिंग की दुनिया से बहुत हटके थे, और मुझे लगता था कि व्लॉगिंग यानी एक्सप्लोरर। मेरी लाइफ पूरी शॉप और शॉप से घर थी, इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई ट्रैवलिंग नहीं था और कोई एक्सप्लोरिंग का सीन नहीं था। और फिर इससे दिल बर्दाश्त हो के मैंने व्लॉगिंग बनाना ही बंद कर दिया। फिर एक ऐसा वक्त आया 2020 में, यानी मेरी लाइफ में बैक टू बैक इवेंट्स आने लगे। तब मुझे लगा कि मैं व्लॉगिंग अब कर सकता हूँ, और फिर मैंने कुछ व्लॉगर देखने स्टार्ट किए। और ये सारी वीडियोस देखने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा कि व्लॉगिंग का मकसद सिर्फ एक्सप्लोरिंग करना नहीं होता, व्लॉगिंग में आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, व्लॉगिंग में आप डेली रूटीन दिखा सकते हैं, व्लॉगिंग में आपने क्या किया ये मायने नहीं रखता, आपने कैसे किया वो मायने रखता है, और आप उसको व्लॉगिंग का हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं व्लॉगिंग के जरिए, अपनी डेली रूटीन दिखा सकते हैं। तो ये तो थी व्लॉगिंग की एग्जाम, जिस तरह टीवी शोज में किया जाता है कि ब्रेक पे जाने से पहले एक सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, तो उस तरह मैं भी सस्पेंस अपनी वीडियो में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ आउटडोर शूट पर, शॉर्ट फिल्म के शूट पर, तो उसके बाद आके जो अभी की कहानी है, मैं कहाँ था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और यही नहीं, इतनी बड़ी कहानी सुनाने का मकसद क्या है वो भी मैं आपको बाद में आके बताता हूँ, पहले मैं शूट से होके आता हूँ। आज हम आए हुए शूट पर बहुत वक्त बाद, तकरीबन कह सकते हैं कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद। जुबैर मौजूद है हमारे साथ, काशिफ मौजूद हैं, बाकी इसके साथ हमारी दूसरी टीम मौजूद है। ये कैमरा है हमारा, आज मैं इसको व्लॉग में यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा हमारे साथ वहाब मौजूद हैं और नुमान अभी एक्ट कर रहे हैं। शूट हमारा तकरीबन हाफ मुकम्मल हो गया है, अब हम लंच करेंगे, उसके बाद लास्ट सीन बना के बैटरी चार्ज करके दोबारा शाम में हम दोबारा शूट की तरफ निकलेंगे। चार बर्गर हमने ऑर्डर किए, 5 लोग हैं, वाह नहीं खाएगा, वाह खा चुका है। 20 रुपये का बर्गर है जो कि बुरा नहीं है, क्या कहते हो भाई काशिफ? 20 रुपये का बर्गर, खर्चा कौन कर रहा है ये बताओ? वाह भाई, क्या कहना है इस बारे में आपका? ये तो किसी की बात नहीं, ये देखो ये तो होगा, ये कहते ना कि साइकिल है, बबलू ने आपको खिलाया, आप हमें खिला दें। तो अभी 5 बज रहे हैं और सुबह तकरीबन 10 बजे हम लोग निकले थे, शूट हमने जारी रखी हुई है, अभी तकरीबन हमारी शूट मुकम्मल होने वाली है, लास्ट ही बजता है वो कर लेंगे, उसके बाद एंड होगा शूट का। तो अभी मैं शूट से होके घर आ चुका हूँ, और जो हमने वीडियो बनाई है उसके बारे में मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँगा, हो सकता है उसकी वीडियो भी एक अलग से बनाऊँ उसकी प्रमोशन के लिए। तो अभी हम उस टॉपिक पर बात करते हैं जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो टॉपिक ये है कि मैं कहाँ रहते थे। तो ये किसी ने सवाल तो अभी तक नहीं किया, इतने बेवफा लोग हैं, मैं ख़ुद अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करता चलूँ। मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसका मकसद था क्या कहते हैं लोग, ये वो व्लॉग था जो कि हर इंसान को फेस करना पड़ता है। तो मैंने उसमें एक लास्ट में एक बात की थी कि आप इग्नोर करें उस चीज़ को, लेकिन ये इग्नोर करना होता है, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लाशऊर आपका ये चीज़ें पिक करता है और आपको कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई, तो लोगों की जो बातें वो सोच कर मुझे ऐसा लगता था कभी माइक की ज़रूरत है, तो कभी मुझे एक डेकोरेटेड रूम चाहिए, या मैं आजकल ट्रैवलिंग नहीं कर रहा हूँ और बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ, ये जो चीज़ें थी लोगों की कहीं ना कहीं मुझे डीमोटिवेट कर रही थी।
और यही नहीं, सिर्फ हमारे इलाके में केबल का काम भी चल रहा था, उसकी वजह से हमारे पास लाइट नहीं होती थी, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में मुश्किलात का सामना था। और फिर मुझे बैठ के कुछ सोचने का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं जो बैठ के भी अगर आपसे बातचीत भी कर रहा था, वो वीडियोस भी बुरी नहीं है। और मैं इस अरसे में वो वीडियोस रिपीट देखता रहा। और मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में भी बात की थी कि मैं थोड़ा क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जो अभी बैकग्राउंड है वो भी बुरा नहीं है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। ये थी मेरी थॉट्स जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो अभी यहाँ मैं करूँगा व्लॉग का इख्तिताम और मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन जो अभी चीज़ें मुझे सुनने को मिली थी, जिन चीज़ों की वजह से मैं डिस्टर्ब हुआ, अब वो चीज़ें मैं करूँगा, तो बर्दाश्त कीजिएगा। Thank you.